इलेक्शन कमीशन ने गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। गुजरात में दो चरणों में चुनाव होगा। 182 सीटों के लिए हो रहे इस चुनाव में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर और 5 दिसंबर को 93 सीटों पर वोटिंग होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि हिमाचल और गुजरात के नतीजे 8 दिसंबर को एक साथ आएंगे। आपको बता दें, गुजरात में अभी बीजेपी की ओर से भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल पहले ही संकेत दे चुके हैं कि राज्य में कोई बदलाव नहीं होगा। बीजेपी के अलावा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। हालांकि दोनों पार्टियों ने अब तक सीएम कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। बात कांग्रेस की करें तो पार्टी में भरत सोलंकी, अर्जुन मोडवाडिया, शक्ति सिंह गोहिल सीएम पद के लिए रेस में सबसे आगे हैं। आप में अभी तक गोपाल इटालिया और ईशुदान गढ़वी सीएम के दावेदार हैं, लेकिन ऐलान अभी बाकी है। 2017 के चुनाव से 2022 का चुनाव बिल्कुल अलग है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है आम आदमी पार्टी, क्योंकि इस बार की लड़ाई त्रिकोणीय होने वाली है। 2017 में आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे हार्दिक पटेल भी 2022 में बीजेपी में शामिल हो गए। गुजरात में इस बार चार मुद्दे चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। पहला, मोरबी पुल हादसा। दूसरा, कर्मचारियों की समस्या। तीसरा, महंगाई। चौथा, कोर्ट पर ड्रग्स का कारोबार। पांचवा, 24 साल से काबिज बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। भाजपा ने इस बार 182 सीटों में से 160 से ज्यादा सीटें जीतने का टारगेट बनाया है। वहीं केजरीवाल ने चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही अपनी पार्टी की जीत की घोषणा भी कर दी। इस बीच कांग्रेस क्या करती है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस के सबसे कद्दावर चेहरे राहुल गांधी तो बीते 57 दिनों से भारत जोड़ो यात्रा में मग्न हैं और किसी भी चुनावी राज्य को कवर करने का उनका एजेंडा ही नजर नहीं आ रहा।